स्टडी जोन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टडी जोन और स्टडी जोन गवर्नमेंट जॉब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ साथ नोटिफिकेशन बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि आप हमारी नई वीडियोस के अपडेट जल्द से जल्द पा सकें। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने हरियाणा पुलिस भर्ती 2018 के लिए एडवर्टाइजमेंट निकाल दिया है। इसमें टोटल 7,110 पोस्ट निकाली है। मेल और फीमेल कॉन्स्टेबल जनरल ड्यूटी के लिए इसमें पोस्ट है, मेल और फीमेल सब इंस्पेक्टर के लिए हैं, और इंडियन रिजर्व बटालियन ऑफ हरियाणा स्टेट के लिए भी इसमें पोस्ट है। इस वीडियो में मैं आपको इन सभी कैटेगरी के बारे में डिटेल में बताऊंगा कि किस में कितनी पोस्ट है और कौन कौन अप्लाई कर सकता है। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है 3/2018, जो 16/4/2018 16 अप्रैल 2018 को पब्लिश हुआ है। इसके लिए आप 28 अप्रैल 2018 के बाद ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, और इसके लिए लास्ट डेट है 28/5/2018, यानी 28 मई तक आप फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, और लास्ट डेट फी डिपॉजिट करने के लिए 30/5/2018 है। ये सभी पुलिस डिपार्टमेंट हरियाणा में निकली हुई है पोस्ट। और सबसे पहले आते हैं कैटेगरी नंबर वन में। कैटेगरी नंबर वन में टोटल 5,000 पोस्ट है मेल कॉन्स्टेबल जनरल ड्यूटी के लिए। सेकेंड कैटेगरी है कैटेगरी नंबर टू में, 1147 पोस्ट है फीमेल कॉन्स्टेबल के लिए जनरल ड्यूटी में। और इस कैटेगरी नंबर थ्री है 500 पोस्ट इंडियन रिजर्व बटालियन ऑफ हरियाणा स्टेट मेल कॉन्स्टेबल के लिए जनरल ड्यूटी के लिए पोस्ट है इसमें। कैटेगरी नंबर एक, दो और तीन के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? कम से कम कैंडिडेट 12th पास हो। इसके अलावा 10th या हायर एजुकेशन में हिंदी संस्कृत एक सब्जेक्ट होना चाहिए कैंडिडेट के पास। हाइट मेल कैटेगरी के लिए कम से कम 170 सेंटीमीटर हो जनरल कैटेगरी के लिए, और चेस्ट 83 सेंटीमीटर हो अनएक्सपेंडेड, और 87 सेंटीमीटर हो एक्सपेंडेड। अगर रिजर्व कैटेगरी है तो उसके लिए 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए मिनिमम, और 81 सेंटीमीटर उसके लिए चेस्ट होनी चाहिए अनएक्सपेंडेड, 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए एक्सपेंडेड। फीमेल कैटेगरी के लिए 158 सेंटीमीटर कम से कम हाइट होनी चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए, और 156 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए रिजर्व कैटेगरी के लिए। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट इस एडवर्टाइजमेंट में सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, यानी इसके कोई मार्क्स ऐड नहीं होंगे। ये आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। एज लिमिट 18 से 25 साल की होगी, और एज काउंट होगी 1 अप्रैल 2018 को। एक्स सर्विसमैन के लिए डिस्चार्ज के फर्स्ट डे से लेकर उसको 4 ईयर्स का फायदा मिलेगा। शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड क्लास कैटेगरीज को गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। इसके लिए पे स्केल रहेगा 21,700 से लेकर 6,900 तक। कैटेगरी नंबर चार में टोटल 400 पोस्ट है सब इंस्पेक्टर मेल के लिए, ये भी री एडवर्टाइजमेंट है। और कैटेगरी नंबर पांच के लिए 63 पोस्ट है सब इंस्पेक्टर फीमेल के लिए। कैटेगरी नंबर चार और पांच के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? कम से कम आपके पास ग्रेजुएशन हो, और 10वीं या हायर एजुकेशन में हिंदी या संस्कृत आपके पास एक सब्जेक्ट होना चाहिए। कैटेगरी नंबर चार और पांच के लिए मेल के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए, और 83 सेंटीमीटर अनएक्सपेंडेड चेस्ट होनी चाहिए, और 4 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। रिजर्व कैटेगरी के लिए हाइट कम से कम 168 सेंटीमीटर हो, और 81 सेंटीमीटर मिनिमम आपकी चेस्ट होनी चाहिए, 4 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। फीमेल कैटेगरी जनरल के लिए 158 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, और 156 सेंटीमीटर रिजर्व कैटेगरी के लिए हाइट होनी चाहिए। इन दोनों कैटेगरी के लिए भी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, और एज लिमिट 21 से 27 साल रहेगी इनके लिए। एक्स सर्विसमैन एससी बीसी और ओबीसी के लिए रेज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से रहेगा। इसके लिए पे स्केल रहेगा 35,400 से लेकर 1,12,400 तक। अगर हम फी की बात करें तो फीस की डिटेल कैटेगरी नंबर एक, दो और तीन के लिए जनरल कैटेगरी मेल के लिए 100 रुपीज, और फीमेल नॉन रेजिडेंट ऑफ हरियाणा यानी हरियाणा से बाहर की फीमेल के लिए 100 रुपये। अगर हरियाणा रेजिडेंट फीमेल है तो उसके लिए 50 रुपये फी। एससी बीसी कैंडिडेट है अगर हरियाणा के, तो मेल के लिए 25 रुपये फी,
और फीमेल के लिए 13 रुपये की फीस। कैटेगरी नंबर 4 और 5 के लिए जनरल कैटेगरी मेल और फीमेल नॉन रेजिडेंट ऑफ हरियाणा के लिए 150 रुपये फी और फीमेल ऑफ हरियाणा के लिए जनरल कैटेगरी 75 रुपीज़ फीस। SC/BC कैंडिडेट के लिए 35 रुपये मेल के लिए फी और 18 रुपये फीमेल के लिए फीस। कैटेगरी नंबर 1 मेल कॉन्स्टेबल जनरल ड्यूटी, न्यू कैटेगरी 1 है और ओल्ड कैटेगरी एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2017 के लिए 1 कैटेगरी नंबर है। फीमेल कॉन्स्टेबल जनरल ड्यूटी के लिए न्यू कैटेगरी 2 है और 1/2017 ओल्ड एडवर्टाइजमेंट नंबर है, ओल्ड कैटेगरी है 2। मेल कॉन्स्टेबल जनरल ड्यूटी ये इंडिया रिजर्व बटालियन के लिए न्यू कैटेगरी 1 है, ओल्ड कैटेगरी है 5/2017। फीमेल कॉन्स्टेबल जनरल ड्यूटी के लिए 2 कैटेगरी न्यू और ओल्ड 5/2017 का कैटेगरी नंबर 2 के लिए। इन सभी पोस्ट को यानी इन्होंने कंबाइन कर दिया है। इंडिया रिजर्व बटालियन ऑफ हरियाणा स्टेट को मेल कॉन्स्टेबल न्यू कैटेगरी 3 है, ओल्ड एडवर्टाइजमेंट नंबर है ये 3/2013, यानी 2013 की ये भर्ती है, उन सभी का री एडवर्टाइजमेंट है। सब इंस्पेक्टर मेल के लिए न्यू कैटेगरी है ये 4 और ओल्ड एडवर्टाइजमेंट है ये 8/2015, ओल्ड कैटेगरी नंबर है 5। जो भी कैंडिडेट जिन भी कैंडिडेट ने ओल्ड एडवर्टाइजमेंट में अप्लाई किया हुआ था उनको वो सब एलिजिबल रहेंगे न्यू कैटेगरीज में इस एडवर्टाइजमेंट नंबर में 3/2018 में। तो आप सभी अपना फॉर्म भरे, लेकिन आपके पास अब की डिटेल होनी चाहिए। इसके लिए सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा? नॉलेज टेस्ट के लिए 80% की वेटेज रहेगी। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप आपका पेपर रहेगा 80 मार्क्स का। इसके बाद आपका टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन आएंगे। 0.80 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। टोटल 90 मिनट्स की आपकी ड्यूरेशन होगी। एक करेक्ट आंसर पे आपको 0.8 नंबर मिलेंगे और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। टेस्ट पेपर में सिलेबस जनरल स्टडीज, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, जनरल रीजनिंग, मेंटल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एबिलिटी, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और अदर रिलेवेंट फील्ड और ट्रेड के लिए टेस्ट होगा। 10 क्वेश्चन कम से कम इसमें बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर के होंगे और आपका ये स्टैंडर्ड 10+2 का रहेगा। अगर सब इंस्पेक्टर के लिए एग्जाम की बात करें तो उसमें आपका स्टैंडर्ड ग्रेजुएशन का रहेगा। फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट की बात करें तो 7 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे फिजिकल टेस्ट के लिए। जो भी कैंडिडेट नॉलेज टेस्ट यानी आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का जो भी एग्जाम होगा उसको क्लियर कर देगा, उन सभी कैंडिडेट्स में से 7 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए। तो आप अपने टेस्ट की तैयारी कीजिए। पहले आपका पहले टेस्ट होगा और बाद में इसमें फिजिकल होगा। मेल कैटेगरी के लिए टेस्ट का डिस्टेंस रहेगा 2.51 किलोमीटर, यानी 2.5 किलोमीटर का आपका टेस्ट होगा और 12 मिनट में आपको क्वालिफाई करना होगा। फीमेल कैटेगरी के लिए 1 किलोमीटर का टेस्ट होगा और 6 मिनट में आपको क्वालिफाई करना होगा। एक्स सर्विसमैन के लिए भी 1 किलोमीटर का टेस्ट होगा और 5 मिनट में क्वालिफाई करना होगा। इन सभी के बाद आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, फिजिकल रनिंग के बाद, और आपको दोनों क्वालिफाई करना होगा। एडिशनल क्वालिफिकेशन के लिए 10% वेटेज दी गई है इसमें। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के बाद आपका स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट होगा और इसमें इसके बाद फर्दर सिलेक्शन का प्रोसीजर होगा। कॉन्स्टेबल के लिए एजुकेशन में कम से कम 7 मार्क्स दिए जाएंगे, यानी हायर एजुकेशन या ग्रेजुएशन है जिसकी डिग्री के लिए, तो उसको 4 नंबर एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। अगर कोई भी कैंडिडेट पोस्ट ग्रेजुएट है और वो कॉन्स्टेबल के लिए अप्लाई करता है तो उसको 3 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो ये टोटल 7 मार्क्स है आपके हायर एजुकेशन के लिए, और सब इंस्पेक्टर के लिए भी एजुकेशन के लिए टोटल 7 मार्क्स है। 4 मार्क्स आपके हायर एजुकेशन के लिए, जैसे ग्रेजुएशन डिग्री इन लॉ, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, साइंस, फॉरेंसिक मेडिसिन, फॉरेंसिक साइंस, पॉलिटी साइंस एंड क्रिमिनोलॉजी में है, तो 4 नंबर होंगे। जितनी भी आपकी 10+2 से ज़्यादा डिग्री है,
इसके अलावा अगर कैंडिडेट पोस्ट ग्रेजुएट है किसी भी स्ट्रीम में अदर देन वन मेंशन्ड अबव, इन सभी कैटेगरी के अलावा किसी और में है तो उसके कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं है। अगर कैंडिडेट के पास एमफिल या पीएचडी है किसी भी स्ट्रीम में तो कैंडिडेट को 3 मार्क्स मिलेंगे। अगर कोई भी कैंडिडेट एनसीसी, किसी भी कैंडिडेट के पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है उसको 3 मार्क्स दिए जाएंगे। वो उसके लेवल पर डिपेंड करेगा। अगर ए बी सी किसी भी लेवल का है तो लेवल ए के लिए 1 मार्क्स, टू के बी के लिए 2 मार्क्स और सी के लिए 3 मार्क्स दिए जाएंगे। इसमें 10% वेटेज आपकी दी गई है अलग से, जिसमें 5 मार्क्स के दे रखे हैं। अगर आपके घर में कोई भी कैंडिडेट गवर्नमेंट जॉब पर नहीं है तो उसको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। इसमें आपका अप्लीकेंट का फादर, मदर, स्पाउस यानी वाइफ या हस्बैंड, ब्रदर, सिस्टर, सन, डॉटर, कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट जॉब पर ना हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कोई भी हो, सब मान्य होंगे। इसमें 5 मार्क्स इसमें दिए जाएंगे ऑर्फन या विडो को। अगर कोई भी विडो अप्लाई करती है, ऑर्फन इसके लिए अप्लाई करती है तो उसको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर कोई भी अप्लीकेंट पहला या दूसरा बच्चा है जिसके फादर की डेथ हो गई थी 42 ईयर एज के पहले, तो उसको भी 5 मार्क्स इसमें दिए जाएंगे। अगर किसी के फादर की डेथ बच्चे की 15 साल की उम्र होने से पहले हो गई है तो उसको भी 5 मार्क्स इसमें दिए जाएंगे। 5 मार्क्स के लिए अगर विमुक्त जाति और टपरीवास जात से है, नोमैडिक ट्राइब से है, हरियाणा की शेड्यूल्ड कास्ट से है, बैकवर्ड क्लास से है, तो उसको 5 मार्क्स इसमें दिए जाएंगे। मैक्सिमम 8 नंबर मिलेंगे। एक्सपीरियंस के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय हो या एडहॉक बेस पर हो। इसमें हाफ मार्क्स 1 ईयर के लिए दिया जाएगा। मैक्सिमम 16 ईयर्स का एक्सपीरियंस काउंट होगा। फर्स्ट और से लेकर फोर्थ कंडीशन तक 10 से ज़्यादा मार्क्स किसी को भी नहीं मिल सकते, यानी सभी कंडीशंस फुलफिल करने के बाद मैक्सिमम 10 मार्क्स दिए जा सकते हैं। अगर किसी भी कैंडिडेट के 10 से ज़्यादा बन रहे हैं तो उसको ज़्यादा नहीं मिलेंगे, सिर्फ 10 मार्क्स मिलेंगे। और ये क्लेम सिर्फ हरियाणा के बोनिफाइड रेजिडेंट है उन सभी को इसमें दिया जाएगा। रिजर्वेशन एससी और बीसी के लिए और बीसी बी के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए डोमिसाइल ऑफ हरियाणा स्टेट का है, उन सभी को ये रिजर्वेशन दिया जाएगा। ये आपका हेल्पलाइन नंबर है, वर्किंग डेज में आप कॉल कर सकते हो 9 से 5 बजे के बीच में। आपका अगर वैसे भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट्स में लिखकर भी बता सकते हो, तो हम आपकी हेल्प करेंगे कि आपका डाउट मिटाने में आपकी जो भी हेल्प हो सकेगी वो करेंगे। ये सब इसका प्रोसीजर है। आपको अपने पास फॉर्म भरने के बाद अपनी अप्लीकेशन फॉर्म की फोटोकॉपी जरूर रखनी है, ये आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम काम आएगा। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू।